बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है बेटा, उर्दू की बुक खोलें अपनी। कौन सा लेसन था हमारा? एहसास ज़िम्मेदारी। हम उस दिन एहसास ज़िम्मेदारी हमने पढ़ी थी, सबक नंबर 6 उसका पढ़ा था हमने, पेज नंबर 30 और 31। अब 31 पेज से हमने दोबारा स्टार्ट लेना है। अगला पैराग्राफ, किसी से सवाल करने की बजाय आप लोग खुद कोशिश क्यों नहीं करते? किसने कहा था ये? चचा शफाक ने उनके हमसाये से कहा था। भाई साहब, चचा शफाक ने लोगों से पूछा, हम खुद ये काम कैसे कर सकते हैं? एक हमसाये ने हैरान होकर सवाल किया। जब चचा शफाक ने कहा कि आप खुद कोशिश क्यों नहीं कर सकते, तो उनके जो एक हमसाये थे उन्होंने कहा कि आप भाई साहब, हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हैरान हो गए। चचा शफाक ने वहाँ मौजूद सभी लोगों पर नज़र डाल ली और कहने लगे, देखें भाइयों, हम एक तरक्की पजीर को अंडरलाइन कीजिए। कौन होता है तरक्की पजीर? हमारा मुल्क क्या है? तरक्की पजीर मुल्क है ना, तरक्की जिस अभी जो तरक्की करने के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन अभी तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं है, मुल्कों में नहीं है। जो तरक्की याफ्ता कौन से होते हैं? तरक्की याफ्ता ये होते हैं जिन्होंने बिल्कुल तरक्की कर ली होती है, हर चीज़ में वो आगे होते हैं। हमारा मुल्क अभी तरक्की पजीर है, ठीक है, तरक्की पजीर मुल्क के बाशिंदे रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं, बाशिंदे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चचा शफाक की बातें सुनकर 2-3 मोहल्लेदार हम आवाज़ होकर बोले, वो कैसे करें हम खुद अपने ये काम? जवाब में इशफाक साहब ने कहा, वो ऐसे कि अगर हम अहले मोहल्ला को इकट्ठे करके इस बात पर कायल कर लें, अहले मोहल्ला मोहल्ले में रहने वाले लोगों को इकट्ठा करें और इस बात की तरफ हम उनको समझाएं, इस पे कन्विंस कर लें कि ये हमारा इलाका है, हम यहाँ के बासी हैं। बासी क्या है, इसको अंडरलाइन कीजिए, कि रहने वाले हैं, तो क्यों ना हम अमदाद बाहमी के मुश्तरका अमदाद से मिलकर अमदाद करके इसके ज़रिए से अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, इस पर हसन के अब्बू ने पूछा, लेकिन हम ये काम कैसे कर सकते हैं, आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। चचा जान ने उन सब की तरफ मुस्कराहट भरी नज़रों से देखते हुए कहा, जैसे ऐसे हैरान कि वो पहले हैरान होकर पूछ रहे थे कि हम कैसे करें क्या करें, तो उनको हंसी आ गई, हल्का सा उनके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई। उस तरह मुस्कराहट के साथ उन्होंने पूछा, भाई जान, बात तो सीधी और साफ है कि हमें खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। दुनिया में हमेशा वही ममालिक तरक्की करते हैं जिनके बाशिंदे इमदाद बाहमी यानी मुश्तरका अमदाद यानी खुद से अमदाद करते हैं, मिल के अमदाद करते हैं, कि अदादी से हमें इमदाद बाहमी से हमें खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए। दुनिया में हमेशा वही ममालिक तरक्की करते हैं जिनके बाशिंदे इमदाद बाहमी के ज़रिए से अपने कामों को संवारते हैं। हम जब बैरून मुल्क यानी दूसरे मुल्क में जाकर देखें तो पता चलता है कि वहाँ की तरक्की में अदारों का और हकूमत से ज़्यादा खुद अवाम का हाथ है। अगर हम तमाम अहले मोहल्ला अपनी अपनी इस्तेआत यानी अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक अपने इलाके को संवारने के लिए हर महीने कुछ रकम डाल लें, तो ये गलियाँ और नालियाँ भी तामीर हो जाएंगी, हमें इस कीचड़ से निजात भी मिलेगी, और वक्त पड़ने पर हम किसी ज़रूरतमंद की भी मदद कर सकेंगे। चचा शफा की इस तामीरी गुफ्तगू यानी इलाके की तामीर और मरम्मत और इसलाह के लिए जो गुफ्तगू की जाए, से तमाम लोगों ने इत्तफाक़ किया और इमदाद बाहमी के ज़रिए से मोहल्ले की बेहतरी के लिए काम करने का अज़्म किया। अज़्म को अंडरलाइन कीजिए, यानी कि इरादा किया। अगले दिन हसन के अब्बू ने तमाम मोहल्ले वालों से पैसे इकट्ठे किए और गली की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मोहल्ले के सब मर्दों और बच्चों ने इस काम में मज़दूरों की मदद की और फिर चंद हफ्तों की कोशिश के बाद मोहल्ले की हालत संवर गई। बचे हुए पैसों से अहले इलाका की सेहत और फौरी तिब्बी इमदाद यानी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जो इमदाद दी जाती है, फ़र्स्ट एड जो दी जाती है, के लिए एक डिस्पेंसरी भी कायम हो गई। ठीक है बच्चों, जो जो लफ्ज़ मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, उनके मीनिंग्स आपको बताए हैं, उनको आपने याद करना है और इस तरह एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर पैदा करनी है, जैसे इन्होंने की है कि खुद अपने बिगड़े हुए काम, अपने रुके हुए काम अपने खुद करने हैं, दूसरों पे वक्त ज़ाया नहीं करना, उनको नहीं देखना कि कोई और कर दे, बल्कि खुद इन कामों के लिए पहल करनी है। ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज़।